हमारे 95.17% अंक आए, तो आप जो ये अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? सर, पेरेंट्स। किस प्रकार से आपने तैयारी की कि आपकी इतने बढ़िया प्रतिशत आए? शुरुआत से ही आप इसी विद्यालय में अध्ययनरत हो या पहले कहीं और के अध्ययन करते थे? आप जो जो युवा पीढ़ी है पीछे जो पढ़ाई कर रही है, आगे जो बोर्ड परीक्षाओं में और भी बच्चे भाग लेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मेरे आसपास में जो भी भाई बहन रहते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ये कर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आकर पढ़ाई करेंगे, आपके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आगे आपका क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। सर आप बताइए, आप जो परीक्षा करना आप घोषित हुआ है, स्कूल का कैसा रिजल्ट रहा है और रिजल्ट के बारे में? आज इस खुशी के अवसर पर सबसे पहले माँ भगवती करणी माता और सभी देवी देवताओं को मेरा नमन। सभी वाले सर्वासियों के प्यार से मैं बहुत अभिभूत हूँ। आप पत्रकार बंधुओं का भी आभार कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला, और विद्यालय की होनहार छात्रा दिव्या शर्मा ने 95.17% अंक प्राप्त करके बालेश्वर टॉप किया। पूरे बालेश्वर वासियों को सभी को नाज है, खुशी है ऐसी होनहार बालिकाओं और होनहार बेटियों से हमें बहुत खुशी है। बेटियां इसी तरह हर क्षेत्र में अव्वल है। अभी UPSC के जो परिणाम जारी हुए उसमें भी टॉप 4 स्थानों पे बेटियां ही हैं। दिव्या ने शुरुआत से पहली से लगाकर 10वीं तक की पढ़ाई यहीं करी है। विद्यालय में 12वीं तक विज्ञान और कला वर्ग दोनों हैं, इंग्लिश मीडियम भी चालू है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम बालेश्वर वासियों को और सभी आसपास के क्षेत्र के जो भी बालक बालिकाएँ अध्ययनरत है और यहाँ जो भी आना चाहते हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारी पूरी टीम के साथ प्रतिबद्ध है। हम प्रयास रहेंगे कि आपके सपनों पे हर बार खरा उतरें। कला वर्ग में भी, विज्ञान वर्ग में भी सभी बेहतर परिणाम दिए हैं। हम आगे भी आप लोगों को बेहतर परिणाम देंगे। और दोबारा मेरी तरफ से एक बार दिव्या शर्मा को, इसके पूरे परिवार को और इसके सभी दिव्या के परिवार के, इसके बहने वगैरह सभी यहीं पढ़ी है, सब अच्छे अंक लाने वाले क्षेत्र के और समग्र राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और दिव्या को अग्रिम शुभकामनाएँ कि ये अपने लक्ष्य को हासिल करें। पुनः आप सभी का आभार।